हेलो गाइस, मैं मोसीबुल। आप लोग देख रहे हैं मेरा आपके यूट्यूब चैनल जुगांतधारा। इस वीडियो में बताऊंगा बहुत सारे भाई ने बहुत सारे क्वेश्चन किया है। इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं। पहला जिस भाई ने क्वेश्चन किया है, क्या कतर में वर्क वीसा में जाएंगे तो वैक्सीन लेना जरूरी है? देखिए भाई, कतर में अगर वर्क वीसा में जाएंगे तो वैक्सीन लेना जरूरी नहीं है, लेकिन वैक्सीन लेना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि वैक्सीन नहीं लेके कतर में जाएंगे तो आपको 7 डेज से होटल क्वार में रहना पड़ेगा, और वैक्सीन लेके जाएंगे तो सिर्फ 2 डेज रहना पड़ेगा। फिर अगर 2 डेज होटल बुकिंग करने जाएंगे तो आपको 1000 रियाल पे करना पड़ेगा। अगर 7 डेज होटल बुकिंग करने जाएंगे तो लगभग आपको 4 से 5 हजार रियाल आपको पे करना पड़ेगा। तो कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो अगर कतर में जाना चाहते हैं तो आपको वैक्सीन लेना जरूरी है, और वैक्सीन में विदाउट वैक्सीन में अगर वर्क वीसा में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। इसीलिए अगर वैक्सीन लेना हो आपको इतना मुश्किल नहीं है। वर्क वीसा में जाएंगे विदाउट वैक्सीन में जा सकते हैं, ऐसा नहीं विदाउट वैक्सीन में नहीं जा सकते, विदाउट वैक्सीन में जा सकते, लेकिन ज़्यादा खर्चा होगा आपको। 2 डेज का बदल में आपको 7 डेज होटल में रहना पड़ेगा। उसके बाद एक भाई ने पूछा है कतर में कौन सा वैक्सीन अप्रूव है। 2 टाइप का वैक्सीन अप्रूव करके रखा है कतर का, जो अप्रूव वैक्सीन है और कुछ कंडीशन में अप्रूव किया है। इस तरह वैक्सीन के अंदर किसी भी वैक्सीन लेके कतर में जा सकते हैं, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद एक भाई ने पूछा है पीसीआर टेस्ट तो करना पड़ता है, फ्लाइट में चढ़ने से कितना घंटा पहले पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा? फ्लाइट चढ़ने से आपको 72 घंटा के अंदर आपको पीसीआर टेस्ट करना पड़ेगा, जब सैंपल कलेक्ट करके उस टाइम से लेकर आपको फ्लाइट का चढ़ने का टाइम का अंदर 72 घंटे का अंदर होना चाहिए, तभी अप्रूव होगा। और आप लोगों को पता होगा पीसीआर टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है उसमें क्यूआर कोड भी होना चाहिए, तभी अप्रूव होगा। उसके बाद एक भाई ने पूछा है कतर का जो फ्लाइट है अभी चालू है कि बंद है? देखिए भाई, कतर का फ्लाइट क्लोज नहीं है, इंडिया से जा रहे, पाकिस्तान से जा रहे, नेपाल से जा रहे, बांग्लादेश से जा रहे, श्रीलंका से जा रहे, पूरा 6 कंट्री अंदर से अभी फ्लाइट जा रहे। नेपाल से जाना था तो नेपाल से फ्लाइट चल रहे, इंडिया से चल रहे, बांग्लादेश से चल रहे, श्रीलंका से चल रहे, पाकिस्तान से चल रहे, तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा, फ्लाइट बिल्कुल ओपन है। अगर आपका टिकट मिलने में थोड़ा मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि आपको होटल बुकिंग नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग टिकट आपको नहीं मिल रहे, इसलिए आप लोग सोच रहे हैं फ्लाइट क्लोज कर दिया है। ऐसा नहीं, फ्लाइट क्लोज नहीं हुआ है, फ्लाइट बिल्कुल ओपन है, पहले का जैसे ओपन है। बहुत सारे भाई ने आज भी किया है, कल का भी बहुत सारे भाई का टिकट है, मैं खुद चेक किया है, बहुत सारे भाई ने कतर में ऑलरेडी जा चुका है, इसी हफ्ते में बहुत सारे भाई ने कतर में जा चुका है। उम्मीद करता आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन का आंसर मिल गया है, और एवरी से थोड़ा सा जानकारी मिला, थोड़ा सा बात चला, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, इसी तरह हेल्पफुल वीडियो मिलता रहेगा।